नमस्कार, मैं हूं दीप शिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। वक्त है फटाफट 100 खबरों का। 21 और 22 नवंबर को घना कोहरा देखने को मिल सकता है। पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए नोएडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कैंपेन शुरू किया है और इसके तहत व्हाट्सएप या फिर ईमेल के जरिए पॉल्यूशन से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने पर इनाम दिया जाएगा। कोई भी शख्स पॉल्यूशन से जुड़े उल्लंघन जैसे कूड़ा जलाना, पटाखे फोड़ने जैसी जानकारी दे सकता है। शिकायतकर्ता को घटना की तस्वीर और लोकेशन भी बताना होगा। इसके अलावा शिकायत में दोषी का पूरा पता भी भेजना होगा। अगर एक ही घटना की जानकारी एक से ज्यादा लोग और देते हैं तो सबसे पहले देने वाले को ₹1,000 का इनाम दिया जाएगा और साथ ही जानकारी देने वाले शख्स का नाम गोपनीय रखा जाएगा। सबरीमाला मंदिर को मंडला पूजा के लिए शनिवार शाम को खोल दिया गया है, जहां पुलिस ने 10 महिलाओं को सबरीमाला मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी के कोर ग्रुप की पहली बैठक दिल्ली के हरियाणा भवन में जारी है, जिसमें चुनाव परिणाम में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर मंथन किया जा रहा है। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीएम मनोहर लाल और प्रदेश प्रभारी अनिल जैन और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहे और इस बैठक में सरकार के रोड मैप समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। गुरुग्राम में प्रदूषण के लगातार बढ़े स्तर से लोग परेशान हैं और अब गुरुग्राम के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ हवा की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इंडोर स्टेडियम धर्मशाला पहुंचे। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने 21वीं कैडेट एंड सब जूनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। अनुराग ठाकुर के साथ कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर, स्थानीय विधायक विशाल नहरिया के साथ साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 21वीं कैडेट एंड सब जूनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 22 नवंबर तक चली। फतेहपुर बीजेपी मंडल के एक कार्यक्रम में सांसद किशन कपूर ने शिरकत की, जहां वो मीडिया से नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मीडिया ने मेरे खिलाफ नेगेटिव खबरें दिखाई हैं, फिर भी जनता ने 72% वोट देकर सांसद बनाया। रफाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को झटका देने के बाद अब ज्वाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगा दिया है। साथ ही साथ देश से माफी मांगने की मांग उठाई है। शिमला में पानी कूड़ा सीवरेज पर टेस्ट बढ़ाए जाने पर शिमला नागरिक सभा ने नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन किया और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही साथ कर्मचारियों में शुल्क वापस लेने की चेतावनी। हमीरपुर के हमीर भवन में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जहां संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने शिरकत की और दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। नाहन में मटर के उचित दाम नहीं मिलने से किसान मायूस है। किसानों का कहना है कि एक तरफ मटर के उत्पादन में गिरावट आई है तो वहीं दूसरी तरफ बाजार में उचित दाम नहीं मिल रहा है, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर अपशब्द लिखने का मामला कूट पकड़ता जा रहा है। हमीरपुर में एबीवीपी इकाई ने मामले की निंदा की है और साथ ही साथ कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन कर एसएफआई संगठन को जमकर कोसा है। चंबा में पठानकोट से भरमौर के बीच NH-154A पर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल एक महीने में ही मार्ग से ताकोल उखड़ गया, जिससे स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। चंबा जिले में पटवारी के लिए परीक्षा रविवार को ली जाएगी, जिसको लेकर पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र पर 2 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे। पांवटा साहिब में नेव मेड साइंस फार्मा के चेयरमैन श्रीमान लखविंदर पाल सिंह ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों की ओर से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने
केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महंगाई के बहाने सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो गई है लेकिन महंगाई रोकने में केंद्र सरकार असफल है। अमृतसर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक की अगुवाई में गांधी संकल्प से यात्रा शुरू की गई जो शहर के कई इलाकों से होते हुए नेहरू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास खत्म हुई। इस दौरान बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। पंजाब का बोगा जिला डेंगू की चपेट में है। जिले में डेंगू के 275 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं जिनमें कुछ का इलाज सरकारी अस्पताल में और कुछ का प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। बटाला में डीसी और एडीसी की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। पंचायत मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवाग ने मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि दोनों ही पक्षों की बात सुनने के बाद से मामले में कार्रवाई की जाएगी। रोपड़ में करतारपुर साहिब को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने सीएम पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में महंगाई की मार है और राज्य सरकार अपने गरेबान में झांकने के बजाय दूसरे पर आरोप लगा रही है। मलेरकोटला में कुछ किसान वायु प्रदूषण को लेकर जागरूक हैं। बादशाहपुर में किसान पराली को जलाने की बजाय इकट्ठा कर रहे हैं जिससे मजदूरों को काम मिल रहा है और सरकारी आदेशों का पालन हो रहा है। थाना में आए दिन हत्याओं से लोगों में दहशत का माहौल है। पिछले तीन दिनों में हुई तीन हत्याओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस तीनों ही मामलों की जांच कर रही है लेकिन अभी तक किसी भी हत्या का खुलासा करने में पुलिस कामयाब नहीं हो पाई। बठिंडा में घरेलू झगड़े को लेकर एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया, हंगामा करने लगा। शख्स ने पुलिस और पत्नी पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस उसकी पत्नी का साथ मिलकर उसे परेशान कर रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मोहाली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोस्ट वांटेड अपराधी और ड्रग्स स्मगलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी को जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने अपराधी के पास से एक हथियार और तीन जिंदा कारतूस बरामद किया। बरनाला में पुलिस ने दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने तस्करों के पास से 1,00,000 नशीली गोलियां बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। पद के दुरुपयोग के मामले में महाभियोग की जांच का सामना कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। संसद की इंटेलिजेंस कमेटी ने झूठ बोलने पर आरोप में ट्रंप के सलाहकार रोजर स्टोन को सजा देने के लिए कहा। काफी लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार रहे रोजर स्टोन को संसद की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने झूठ बोलने, जांच में बाधा डालने और सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया गया है। रोजर स्टोन को 6 फरवरी 2020 को सजा सुनाई जाएगी। उन्हें कैद की सजा हो सकती है। रितु फोगाट ने जीता मिक्स मार्शल आर्ट्स का दंगल। दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी को दी 90 सेकंड में मात। इंदौर टेस्ट में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को पारी और 130 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टेस्ट मैचेस में भारतीय टीम की ये लगातार छठी जीत है। भारत ने पहली पारी 6 विकेट पर 493 रन बनाकर घोषित किए थे जबकि बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 150 और दूसरी पारी में 213 रनों पर ऑल आउट हुए। पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने 243 रन की पारी रखी। उसके बाद अपने टेस्ट करियर में 8वें टेस्ट में दूसरा दोहरा शतक लगाया। भारत के लिए दोनों ही पारी में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 7 विकेट चटकाए जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 5 और उमेश यादव ने 4 विकेट लिए। वहीं ईशांत शर्मा को सिर्फ 3 विकेट मिले। भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट 22 नवंबर को ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट डे नाइट होगा जिसमें पिंक बॉल का इस्तेमाल होगा। मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम 1 विकेट पर 86 रन से आगे खेलना शुरू किया जहां 105 विकेटों पर टीम को पुजारा के रूप में दूसरा झटका लगा। चेतेश्वर पुजारा 54 रन बनाकर आउट हुए। फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान की रिलीज डेट अब बदल चुकी है। ये फिल्म अब 21 फरवरी 2020 को रिलीज होगी। फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान का नया पोस्टर भी जारी हो चुका है।
पिंटू मंगल ज्यादा सावधान की पोस्टर में आयुष्मान भागते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पीछे बाराती भागते हुए दिख रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है अब ज्यादा जल्दी रिलीज होगी आपकी और हमारी शुभ मंगल ज्यादा सावधान। फिल्म पहले 13 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म और ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान का पोस्टर शेयर किया। फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान 2017 में रिलीज हुई शुभ मंगल सावधान का स्क्रिप्ट है और ये फिल्म समलैंगिक रिश्ते पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग वाराणसी में चल रही है। इमरान हाशमी की नई फिल्म द बॉडी का ट्रेलर रिलीज किया गया। इस फिल्म का ट्रेलर काफी थ्रिलर और सस्पेंस से भरा हुआ है। फिल्म में इमरान हाशमी के साथ ऋषि कपूर भी दमदार किरदार में नजर आएंगे। आयुष्मान खुराना की फिल्म 12 बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रहे हैं। हालांकि सातवें दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बाला ने 8 दिनों में 73 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया।